जैन साथी, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के लिए बहुत बड़ी अपडेट। भाई साहब आ गया स्कूटनी कॉपी चेकिंग का बात आप सबके सामने। देखिएगा साथी, आपको हम सारी अपडेट आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपका दोस्तों कितना नंबर बढ़ रहे हैं और दोस्तों किस विषय में आप सब कितना नंबर मैक्सिमम पा रहे हैं। हम आपको बताते हैं साथी कितने नंबर बढ़ रहे हैं और कितना नंबर आप सब पा रहे हैं, हर एक विषय का अलग अलग बताऊंगा साथी। और रिजल्ट इसका कब जारी किया जाएगा स्कूटनी का ये भी बताऊंगा। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम दोस्तों आप सबका, जो बच्चे फेल हो गए हैं प्रैक्टिकल में यानी जिनका प्रैक्टिकल छूट गया था उनका दोस्तों प्रैक्टिकल में यदि एब्सेंट भी है तो उनका कब होगा दोबारा प्रैक्टिकल, साथ ही हम सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। आप सब क्या करना है शुरू से आखिर तक देख लेना है। और साथ ही आप चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस तरह का लेटेस्ट और दोस्तों बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सबको एग्जाम रोड पर मिलता है और मिलता भी रहेगा। साथ ही आपको बता दूं आप सबका दोस्तों सबसे पहले कितना नंबर बढ़ रहा है दोस्तों, तो आप सबको बता दूं 30 नंबर दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट में दोस्तों मैक्सिमम बढ़ रहा है, कितना 30 नंबर। अब साथ ही आप सबको बता दूं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे अपना कॉपी में अच्छे से लिखे थे लेकिन पेज छोड़ छोड़ के लिखे थे। एग्जामिनर कॉपी चेक करने के दौरान मान लीजिए शुरू के दो पेज अपना चेक किया, उसके बाद एक पेज खाली दिखा, एग्जामिनर सोचा क्या हुआ कि ये बच्चा आगे नहीं लिखा हुआ है, वहीं पे क्या किया वो वहीं पे अपना साइन करके काउंट करके नंबर लिख दिया। लेकिन आगे यदि क्वेश्चन एक दो लिखे हैं तो उनका नंबर दोबारा दोस्तों कॉपी चेकिंग में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब साथ ही हम आपको बता दूं कि और जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर हमारा जो नंबर है वो संतोषजनक नहीं आया है, साथ ही उनके साथ यही हुआ है, ठीक है। और जैसे कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है साथी कि जैसे मान लीजिए उन्होंने अपना कॉपी जो अपना लिखे हुए हैं उसमें सारे क्वेश्चन उनका चेक भी हुआ है लेकिन नंबर जब जोड़ने लगा एग्जामिनर, ठीक है, जब नंबर जोड़ने लगे हैं एक एक नंबर तो उसमें दो तीन क्वेश्चन के नंबर नहीं जोड़े, मिस हो गया, इसकी वजह से कम नंबर आया है। तो उन सभी साथियों को बता दूं कि आप सबका भी नंबर बढ़ जाएगा। और जैसे दो नंबर तीन नंबर से और दोस्तों मैक्सिमम 5 से 7 नंबर तक के जो नंबर बच्चे कम पाए हैं, मतलब मान लीजिए 5 से 7 नंबर यदि पास होने के लिए आपको चाहिए और आपका दोस्तों मार्क्स नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, गिक्स मार्क्स इतना मिल रहा है 5 से 7 नंबर गिक्स मार्क्स आपको दे दिया जा रहा है, तो दोस्तों ये आप सबके लिए बड़ी अपडेट है कि गिक्स मार्क्स भी आपको दिया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों कितने नंबर बढ़ रहे हैं यदि प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों यही रूल है 30 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट का, लेकिन दोस्तों कंडीशन यही है कि जिनका दोस्तों कॉपी में लिखा गया है या जिनका दोस्तों नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है उनका बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों रिजल्ट कब आएगा इसका साथ ही तो आपको बता दूं 27 मई को दोस्तों रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम की हम बात करें दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम दोस्तों जून में होगा, वो भी 10 जून के बाद, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम करा लिया जाएगा 10 से 12 के बीच दोस्तों आप सबका प्रैक्टिकल एग्जाम कराया जाएगा। साथ ही और एक महत्वपूर्ण बात, आप सबके बीच कुछ बच्चे ऐसे हैं कह रहे हैं सर हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा तो रिजल्ट का जो कंडीशन होगा उसमें क्या रिजल्ट में स्कूटनी लिखा रहेगा या कंपार्टमेंट लिखा रहेगा या फेल लिखा रहेगा, तो साथ ही बता दूं स्कूटनी का जब रिजल्ट आएगा साथ ही तो एकदम नॉर्मल जैसे पास बच्चे होते हैं या जैसे जिन बच्चों का पास हो गए हैं और जिनके बच्चों का भी रिजल्ट आया हुआ है हाल ही में उन सभी बच्चों के जैसे एकदम सेम रहेगा, उसमें फेल और कुछ नहीं लिखा रहेगा, में पास लिखा रहेगा साथ ही, ठीक है। और दोस्तों बोर्ड भी चाहता है कि कितने बच्चे उसके पास हो जाएं और कितने बेहतर दोस्तों बोर्ड का रिस्पांस हो जाए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड भी चाहता है कि उसका जो भी दोस्तों क्रेडिट है वो बेहतर से बेहतर बने, ठीक है, समझ रहे हो आप सब। वही दोस्तों आप सबके साथ वही किया जा रहा है, आप सबका रिजल्ट एक बेहतरीन दोस्तों रिजल्ट के साथ आप सबको पास किया जा रहा है, बिल्कुल आप सबको टेंशन नहीं लेना चाहते, ठीक है। बाकी दोस्तों इस तरह का लेटेस्ट और दोस्तों बिल्कुल तगड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। दोस्तों कोई भी डाउट है दोस्तों कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सब कमेंट बॉक्स में फोन करिएगा, हम दोस्तों अधिकारियों से संपर्क करके दोस्तों सारी चीजें आप क्लियर करके फिर दोस्तों आप सबको हम बता देंगे, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथी, जय भारत।